अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको पेटोनिया की सीडलिंग जो है कैसे आपने शिफ्ट करनी है, कैसे आगे लगानी है। अभी जो हम लगा रहे हैं ये हैंगिंग पेटोनिया है। अभी इसकी हम जो पनीरी तैयार की थी वो हम इसे कप में शिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम इसे थोड़े बड़े गमले में शिफ्ट करेंगे जो कि हैंगिंग वाला होगा बास्केट। तो सबसे पहले आप इसकी पनीरी आप तैयार कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमसे मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करते हैं हम। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर हर वीडियो तक रसाई हासिल हो। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं हमने ये कप ब्राई किया है इस मिट्टी में, जो मिक्स करके लीव कंपोस्ट थी हमने वो मिक्स की है। ये आप छोटे कप जो आइसक्रीम वाले ये आप ले सकते हैं, इसमें जल्दी आपका जो पनीरी है वो ग्रो होगी। ये आप देख रहे हैं मिट्टी जो हमने इसमें लीव कंपोस्ट ऐड किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बायो कंपोस्ट खाद भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको भरने के बाद हमने अभी पानी लगाया। पानी आपने शावर से लगाना है, वरना आप पाइप से लगाएंगे तो आपको पता है कि प्रेशर तेज़ होता है, उसका मिट्टी निकल आएगी पाइप, इसलिए आप शावर से पानी लगाएं। अच्छी तरह पानी लगाएं इसको। सीडलिंग लगाने के बाद पानी ना भी लगे तो कोई इशू नहीं होता, सबसे पहले आपने पानी लगाना होता है कोई भी सीडलिंग आप लगाते हैं। ये हमारी सीडलिंग्स है, अभी हम इसे शिफ्ट करने जा रहे हैं छोटे कप्स में। ये हैंगिंग पेटोनिया की सीडलिंग है जो कि बहुत कम नर्सरियों वाले तैयार करते हैं। तो अगर आपको इसकी पनीरी चाहिए होगी आप हमसे रابطہ कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आपको पनीरी भी इंशाल्लाह मिल जाएगी। और ये जब तैयार होगा तो ये आपको कम से कम भी 100 रुपये का मार्केट से जो नर्सरी है, 100 रुपये का एक पौधा जो तैयार होता है इसका हैंगिंग में वो आपको मिलेगा। तो वीडियो आप पूरी देखा करें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर कोई चीज़ आपको ना समझ आए तो वो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो आपको पूरी कोशिश करेंगे आपको जवाब दें उसका। तो पानी लगाने के बाद आपने इससे ज़्यादा पौधे को दबाना नहीं है, सिर्फ आपने पौधे की रूट्स जो है वो हल्की सी मिट्टी में दबानी है। ज़्यादा पौधा दबाएंगे तो पौधा जो टच होता है मिट्टी के साथ फिर वो गल जाता है, ख़राब हो जाता है। उम्मीद है आपको ये हमारी जो वीडियो है बिल्कुल आप पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें और आप गार्डनिंग एंजॉय करते रहें। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।